से पहले आज का मोटिवेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन ये है, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलता है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग? चलिए आज मैं आपको बताऊंगा जो एनिमल किंगडम दे रखा है एनसीईआरटी में, उसमें जितने सारे फाइलम है उस फाइलम के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे, तो उस एग्जाम्पल्स को याद रखने की ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, जितने भी नॉन कॉडर्ट्स हैं उनके जितने फाइलम है, ठीक है, तो उसके जितने एग्जाम्पल है वो सब याद करने की ट्रिक अब मैं आपको बताऊंगा, तो उसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आ जाएगा हमारा फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, फाइलम पोरीफेरा में आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा साइकॉन, एक आएगा यू स्पॉन्जिया और एक आएगा स्पॉन्जिला। तो इसको याद रखने के लिए एक सेंटेंस याद रखना, साइको यूज फ्रेश स्पॉन्ज, साइको यूज फ्रेश स्पॉन्ज। साइको होता है जो मतलब दिमाग खराब होता है इसका, तो साइको यूज फ्रेश स्पॉन्ज, तो साइको क्या करता है, फ्रेश स्पॉन्ज यूज करता है। तो साइको यूज को मैंने लिखा है ई यू एस। ठीक है, तो साइको से साइकॉन या फिर स्काइफा, यूज से आ जाएगा यू स्पॉन्जिया या फिर बाथ स्पॉन्ज, तो यू से यू स्पॉन्जिया, फ्रेश स्पॉन्ज तो फ्रेश से आ जाएगा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज या फिर फ्रेश मतलब क्या, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज या फिर इसको बोलते हैं स्पॉन्जिला। तो साइको यूज फ्रेश स्पॉन्ज, तो साइको साइको से आ जाएगा साइकॉन बा स्काइफा, यू से आ जाएगा यू स्पॉन्जिया और बाथ स्पॉन्ज जैसे कहते हैं, फ्रेश स्पॉन्ज से आ जाएगा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज और जिसे कहते हैं स्पॉन्जिला। ठीक है, तो ये आ गया पोरीफेरा का एग्जाम्पल। नेक्स्ट आते हैं फाइलम सिलेंटरेटा। फाइलम सिलेंटरेटा में आपको सिर्फ एक ही सेंटेंस याद रखना है, पापा गुड मॉर्निंग, पापा गुड मॉर्निंग। तो पी से आ जाएगा फाइसालिया, ए से आदमसिया, पी से पेनाटुला, ए से ऑरेलिया। तो पी से फाइसालिया, ए से आदमसिया, पी से पेनाटुला, ए से ऑरेलिया। ये जी जो है, जी से आ जाएगा आपका गॉर्गोनिया। ठीक है, गॉर्गोनिया जो होता है इसे बोलते हैं सी फैन, उसी तरह पेनाटुला जो होता है इसे बोलते हैं सी पेन। ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा आपका मिंड्रिना। तो मॉर्निंग जो आता है मॉर्निंग से मिंड्रिना, ये होता है ब्रेन कोरल। तो ये आप एनसीईआरटी से याद कर लेना, थोड़ा थोड़ा तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन कौन कौन से हैं ये याद करने के लिए आप ये सेंटेंस याद करना, पापा गुड मॉर्निंग फाइलम सिलेंटरेटा और निडारिया के लिए। तो पापा में पी से आ जाएगा फाइसेलिया, ए से आदमसिया, पी से पेनाटुला, ए से ऑरेलिया, जी से गॉर्गोनिया, एम से मिंड्रिना। ठीक है, तो ये हो गया फाइलम पोरीफेरा और फाइलम सिलेंटरेटा। नेक्स्ट आते हैं फाइलम टीनोफोरा पर। तो टीनोफोरा पर दो एग्जांपल दे रखा है, एक होता है प्लूरोब्राचिया, एक होता है टीनोप्लाना। टीनोप्लाना तो बिल्कुल इजीली याद रहा, टीनोफोरा से टीनोप्लाना, तो यहां पर टीनो है यहां पर टीनो, तो टीनोफोरा से टीनोप्लाना, टीनोप्लाना तो हो गया, ये तो याद रह गया। और फाइलम टीनोफोरा में दूसरा एग्जाम्पल आता है प्लूरोब्राचिया, तो इसके लिए याद रख लेना पीसी। तो प्लूरोब्राचिया जो है वो भी आएगा किसमें, टीनोफोरा में। तो ये हो गया आपका टीनोफोरा। अब चलिए चलते हैं फाइलम प्लैटीहेलमिंथेस पर। फाइलम प्लैटीहेलमिंथेस के एग्जांपल्स को याद रखने के लिए आपको ये लाइन याद रखना पड़ेगा, तानिया प्लेन के प्लेटफॉर्म में लीवर प्रॉब्लम में फंस गई। ठीक है, तो प्लेन के प्लेटफॉर्म में लीवर प्रॉब्लम में फंस गई। ठीक है, तो तानिया से आ जाएगा टीनिया या फिर इसे बोलते हैं टेपवर्म, प्लेन से आ जाएगा यहां से प्लानरिया, तो प्लेन कौन, प्लेन से प्लानरिया, प्लेटफॉर्म यहां से प्लाट से आ जाएगा प्लैटीहेलमिंथेस। ठीक है, प्लाट से क्या आ जाएगा, प्लैटी हेलमिंथेस। लीवर से आ जाएगा लीवर फ्लूक, फर्स्ट से फेसियोला, तो यहाँ पर लीवर फ्लूक जो है वो फेसियोला है, तो यहाँ पर एग्जांपल आ जाएगा टीनिया, प्लानरिया एंड लीवर फ्लूक, ये किसके एग्जांपल आ जाएंगे, प्लैटी हेलमिंथेस। तो ये याद रखना आप ट्रिक, तानिया प्लेन के प्लेटफॉर्म में लीवर प्रॉब्लम में फंस गई, तो तानिया से टीनिया और टेपवर्म, यहां से प्लेन से प्लानरिया, ये प्लैटी हेलमिंथेस, लीवर फ्लूक और फेसियोला। ठीक है, तो ये हो गया आपका टीनोफोरा और प्लैटीहेलमिंथेस। नेक्स्ट आते हैं फाइलम आस्कीहेलमिंथेस पर। ठीक है, अब फाइलम आस्कीहेलमिंथेस जो है उसके लिए याद रखना ट्रिक, अक्सर वो बेचारी आंसर नहीं दे पाती, उसको राउंड मिला वो फेल हो गई और हुक से लटक गई। ठीक है, आपको ये पूरा का पूरा लाइन याद रखना है, अक्सर वो बेचारी आंसर नहीं दे पाती, तो अक्सर से आ जाएगा आस्कारिस, वो बेचारी, तो इन दोनों से मिला के लिख सकते हो आप उच्चरिचिया।
ठीक है, यूचेरिचिया जो होता है वो बेचारे से यूचेरिचिया आंसर से एंसाइक्लोस्टोमा नहीं दे पाती गया, उसके नीचे ही मैंने लिखा है उसको राउंड मिला, तो राउंड राउंड से आ जाएगा राउंड वर्म, तो आस्करिस को क्या बोलते हैं राउंड वर्म, ये आस्करिस को बोलते हैं राउंड वर्म, वो फेल हो गई, फेल से आ जाएगा फाइलेरियल वर्म, फेल से आ जाएगा फाइलेरिया वर्म, तो फाइलेरिया वर्म कौन है यूचेरिचिया। नेक्स्ट आ जाएगा आपका एंसाइक्लोस्टोमा, एंसाइक्लोस्टोमा के नीचे कौन क्या लिखा हुआ है, उसको राउंड मिला वो फेल हो गई और हुक से लटक गई, हुक से आ जाएगा हुकवर्म, तो एंसाइक्लोस्टोमा जो होता है वो होता है हुकवर्म। तो ये सेंटेंस आप याद रखना कि सारे के सारे के नाम याद रह जाएंगे और उसका कॉमन नेम जो है किस टाइप का वर्म होता है वो भी याद रह जाएगा। तो अक्सर वो बेचारी आंसर नहीं दे पाते, आंसर को मैंने ANS लिखा है, अक्सर वो बेचारी आंसर नहीं दे पाती, उसको राउंड मिला और वो फेल हो गई और हुक से लटक गई, तो आस्करिस यूचेरिया एंसाइक्लोस्टोमा, ये आ जाएगा राउंड वर्म, आस्करिस को बोलते हैं राउंड वर्म, यूचेरिया को फाइलर वर्म, एंसाइक्लोस्टोमा को हुक वर्म। नेक्स्ट आते हैं फाइलम एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा पर आपको सिर्फ एक ही याद रखना है सेंटेंस, हरा पान, हरा पान, तो एच से आ जाएगा आपका हिरुडिनेरिया, तो हिरु से हिरु होता है तो यहाँ पे हरा मैंने लिख लिया, तो एच से यहाँ पर हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया, तो एच से यहाँ पर आ जाएगा हिरुडिनेरिया जो ये है ब्लड सकिंग लीच, तो पी से आ जाएगा फेरिटिमा या फिर आर्थवर्म, एन से आ जाएगा नेरिस, ठीक है एन से नेरिस। तो फाइलम एनेलिडा के लिए याद रखना हरा पान, तो यहाँ पर हरा जो है हरा से आ जाएगा हिरु, तो हरा से हीरू आ जाएगा, हरा से आपको मिलेगा हीरू, हीरू से आप याद रख सकते हो हीरू डिनारिया, यहाँ पे पान जो है पी से आ जाएगा फेरिटिमा, एन से नेरिस, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा पर, ठीक है। फाइलम आर्थ्रोपोडा के लिए आप याद रखना एक ही सेंटेंस, ऑल ब्लैक, तो ब्लैक मैंने यहां से लिखा है BLAC, ऑल ब्लैक, तो ए से आ जाएगा एनोफिलिस, एल से लोक्यूस्टा, एल से लिमुलस या फिर किंग क्रैब, बी से आ जाएगा बॉम्बिक्स जिसे बोलते हैं सिल्क वर्म, एल से आ जाएगा लैसिफर, ए से एडिस, सी से क्यूलेक्स। तो इतना ही एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, जितना एनसीईआरटी में दे रखा है उतना ही हम याद रखेंगे। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के लिए आप याद रखना ऑल ब्लैक, एनोफिलिस, लोक्यूस्टा, लिमुलस, बॉम्बिक्स, लैसिफर, एडिस, क्यूलेक्स। नेक्स्ट आते हैं आपके फाइलम मोलस्का पर, तो मोलस्का के लिए आपको ये सेंटेंस याद रखना पड़ेगा, स्पा में बैठे चार ऑक्टोपस जिनके दांत पीले, स्पा में बैठे चार ऑक्टोपस जिनके दांत पीले, तो स्पा से आ जाएगा एस से सेपिया, पी से पीला, ए से अप्लिसिया, चार से चैटियोप्लेरा, ऑक्टोपस तो है इसमें, और दांत से डेंटालियम पीले, पी आई से आ जाएगा पिंटाडा, एल ई से लोलिगो, ठीक है एल से आ जाएगा आपका क्या लोलिगो, तो स्पा में बैठे चार ऑक्टोपस जिनके दांत पीले, सेपिया, पीला, अप्लिसिया, चैटियोप्लेरा, डेंटालियम, पिंटाडा, लोलिगो, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइलम मोलस्का। नेक्स्ट आते हैं फाइलम इकिनोडर्माटा, फाइलम इकिनोडर्माटा को याद रखने के लिए आपको ये याद रखना आईओ एंटीडॉन सी कुकुम्बर, आईओ एंटीडॉन तो बोलते हैं ना साउथ में आईओ एंटीडॉन, तो आंटी जो है वो डॉन है वहां का, तो आईओ एंटीडॉन, तो आईओ एंटीडॉन सी कुकुम्बर, तो देखो कुकुम्बर को देखो, मतलब आंटी गई है मार्केट में तो उसको कोई बोले आईओ एंटीडॉन सी कुकुम्बर, कुकुम्बर को देखो खरीदो, ठीक है। आईओ से आ जाएगा ए से एस्टेरियस जिसको बोलते हैं स्टारफिश, ई से इकिनस, सी अर्चिन, ओ से ओफ्यूरा और जिसे बोलते हैं ब्रिटल स्टार, और एंटीडॉन तो आ ही गया, एंटीडॉन होता है सी लिली, सी कुकुम्बर को हम लिख सकते हैं सी कुकुम्बर, तो या फिर उसका नाम होता है कुकुमारिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका फाइलम हेमिकोडाटा, फाइलम हेमिकोडाटा में दो ही एग्जांपल होता है, एक होता है बैलानोग्लोसस, साकोग्लोसस, तो इसका सिंपल याद है, सिंपल याद करने का ट्रिक है, जिसमें भी ग्लोसस आ जाएगा वो फाइलम हेमिकोडाटा, तो बैलानोग्लोसस, साकोग्लोसस, तो ग्लोसस आएगा तो मतलब ये क्या आ जाएगा फाइलम हेमिकोडाटा, ठीक है। तो ये था जितने भी आपके नॉन कोडेट्स है उसकी एग्जाम्पल से याद रखने का ट्रिक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, चलो ठोको। कहाँ जा रहे हो, वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, ऐसे देख के चले जाओगे क्या, अच्छा लगता है ये सब, चलो चलो लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन भी ठोक दो और थोड़ा सा अच्छा कुछ कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है। और हाँ शेयर क्यों नहीं करते हो, शेयर भी कर दिया करो यार, कितनी बार बोलना पड़ेगा ये, अब डॉक्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो डॉक्टर वाला कुछ काम करो, कुछ हेल्प भी कर दिया करो दूसरों।